वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं फोक्सवैगन वर्टस का बेस मॉडल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कलर में। अगर मैं मतलब वाइट कलर की बात करूँ ना, तो ये जो गाड़ी है ना, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब दिखती है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, पीछे से अगर हम बात करें तो ये गाड़ी अभी आपको जो है थोड़ी सी जेटा जैसी लग रही होगी, जो इसकी टेल लैंप्स वगैरह है वो थोड़ी सी जो है जेटा जैसी दिखती है। और यहाँ पे आपको जो वर्टस की बैजिंग वगैरह जो दिख रही होगी। और अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूँ ना, तो फ्रंट साइड से भी काफ़ी मतलब अमेजिंग दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी आपको थोड़ी सी जो है ये पसाट जैसी दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है। लुक्स की अगर हम बात करें ना, तो इसको कुछ तोड़ ही नहीं है। बाकी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेस मॉडल होने के बावजूद इस गाड़ी के अंदर जो है एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स दी गई है। और यहाँ पे हेडलैम्प के अंदर भी जो है काफ़ी सारी क्रोम की जो है ट्रीटमेंट की है। और यहाँ पर भी जो है एक क्रोम की आपको जो है पट्टी मिलती है। बम्पर की अगर हम बात करें, तो ये आपको ब्लैक कलर का मिलता है, मैट ब्लैक कलर का मिलता है, जो कि मतलब बेस मॉडल है करके आपको ये थोड़ा सा जो है कॉस्ट कटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ये है टॉप लाइन वेरिएंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको जो बम्पर है वो पैनो ब्लैक फिनिश में मिलता है। जो हेडलैम्प्स है वो आपको प्रोजेक्टर LEDs मिलती है। तो ये कुछ आपको चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आपको इसके अंदर जो DRLs भी मिलती है, जो आपको शायद से गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको जो ये DRLs नहीं मिलने वाली, बस आपको यहाँ पे जो ये टर्निंग इंडिकेटर्स मिलेंगे। और ये आप यहाँ पे एक बार गाड़ी के हेडलैम्प्स भी देख लीजिए, कितने खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे साइड से जो DRL से वो भी आपको मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे तो पर्सनली इस गाड़ी की जो लुक है उससे प्यार हो गया है। आपको क्या लगता है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। यहाँ पे आप इस गाड़ी के व्हील्स भी देख सकते हैं, आपको 16 इंचेस के जो ये स्टील व्हील्स मिलते हैं, जो कि मतलब आपको जो वर्टस का टॉप लाइन वेरियंट है या जो GT लाइन वेरियंट है ना, उसके अंदर भी सेम साइज़ के जो ये अलॉयज़ मिलते हैं, बट आपको इसके अंदर जो ये स्टील व्हील्स मिलेंगे, बिकॉज ये एक बेस मॉडल है। सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा, और हाईलाइन मॉडल के अंदर भी आपको जो सनरूफ नहीं मिलता है। बस आपको जो ये जो टॉप वाला मॉडल है, टॉप लाइन वेरिएंट है, उसके ऊपर का जो GT लाइन वाला मॉडल है, ये दोनों मॉडल के अंदर आपको जो सनरूफ मिलेगा। तो ये आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बूट स्पेस की अगर हम बात करें, तो वो भी एक बार आप देख लीजिए, बाद में हम जब अंदर जाएंगे तब फिर से बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 521 लीटर की आपको यहाँ पर जो बूट स्पेस मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी है एक सेडान के हिसाब से। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, 179 mm का आपको इस गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, 4.7 मीटर्स की लेंथ है। बहुत ही मतलब जो डायमेंशन है वो काफ़ी अच्छे है, और काफ़ी मतलब एक मैच्योर आदमी जैसी गाड़ी दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब इसके जो हेडलैम्प्स वगैरह है वो एक काफ़ी अच्छी लुक देते हैं, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप इस गाड़ी का जो इंटीरियर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है ड्यूल टोन के कॉम्बिनेशन में इंटीरियर मिलता है, बेज एंड ब्लैक कलर का यहाँ पे पूरा ही इंटीरियर है। यहाँ पे आप सीट्स भी देख सकते हैं, आपको फैब्रिक सीट कवर्स इस गाड़ी के अंदर जो डली हुई मिलती है, जो कि हाईलाइन जो वेरियंट आता है उसके अंदर भी आपको जो ये फैब्रिक सीट कवर्स ही मिलती है। आपको जो टॉप लाइन वेरिएंट है और जो जीटी लाइन वेरिएंट है उसके अंदर बस जो ये लेदर सीट कवर्स मिलेगी। और यहाँ पे ऊपर के साइड में कुछ खाली खाली चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सनरूफ नहीं मिलता है, तो ये एक चीज़ खाली है यहाँ पे। और ये इसके LED और रीडिंग लैम्प्स, और यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर भी मिलती है। यहाँ पे आप इसी के डोर्स देख सकते हैं, आपको मतलब ये जो डैशबोर्ड है उसकी लुक भी काफ़ी सिंपल मिलती है बेस मॉडल के अंदर। बट मतलब ये कुछ ऐसा मतलब मैं कमी नहीं बोलूँगा इस गाड़ी को, क्योंकि इसके अंदर आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं स्टील, बिकॉज ये एक बेस मॉडल है करके तभी भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन जो इसकी ORVM से मतलब ये जो साइड मिरर्स रहती है वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। गाड़ी को एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप गाड़ी की भी देख सकते हैं, ये कुछ आपको की मिलती है। और यहाँ पर आपको की लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये बेस मॉडल है, तो आपको इसके अंदर जो ये बटन स्टार्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे जो ये 260 की आपको टॉप स्पीड मिलती है। ये आपको यहाँ पे एक पूरा ही एनालॉग मीटर मिलता है, यहाँ पे अगेन आपको RPM मीटर जो रहता है वो भी आपको पूरा ही एनालॉग मिलता है। बीच में एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो दिया गया है। स्टेयरिंग व्हील की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है। मैनुअल गाड़ी है शायद से ये जो बेस मॉडल है ना कम्फर्ट लाइन, तो इसके अंदर जो ये ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं मिलती है, तो बस आपको मैनुअल का ही ऑप्शन इसके अंदर जो मिलने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो यहाँ के आपको जो है काफ़ी अच्छा जो डिस्प्ले मिलता है। 8 स्पीकर इस गाड़ी के अंदर जो है प्रोवाइड किए हैं, इवन ये एक बेस मॉडल है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। मतलब आपको आफ्टर मार्केट जो है ये डिस्प्ले कोई भी साउंड सिस्टम डलवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इवन कोई गाना चालू नहीं था, बट आपने अभी तक मतलब जो साउंड क्वालिटी सुनी ना, वो 8 स्पीकर से आ रही थी, और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। नीचे आपको मैनुअल AC मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी जो स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे अगेन थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है, इसके अंदर आपको जो ये रियर साइड में AC ब्लोअर्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर एक हैंडरेस्ट भी जो ये स्किप कर दिया है। और
बाकी तो आप यहाँ पे फ्रंट देख सकते हैं, इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और मतलब कुछ कमी यहाँ पे जो नहीं लगेगी। यहाँ पे आप ग्लोव बॉक्स भी देख सकते हैं, स्पेस काफ़ी अच्छी है। और एक बार मैं आपको जो इसकी पिछली सीट जो है वो भी दिखा दूँ, तो वहाँ पर भी आपको जो ये काफ़ी अच्छा जो है कंफर्ट मिलने वाला है। बाकी इसके अंदर जो दो एयरबैग्स भी आते हैं फ्रंट साइड में, और उसके अलावा जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे एक बार आप डोर थर्ड भी सुन लीजिए, वाह सो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये है इसकी रेयर सीट्स, तो यहाँ पे आपको जो ये दो जो ये सॉरी तीन जो है यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो ये हेडरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको काफ़ी सारे गाड़ियों के टॉप मॉडल में भी ये चीज़ नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको तीनों हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिलते हैं, तीनों पैसेंजर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। बीच में अगर हम मतलब बम्प की बात करें ना, तो यहाँ पे जो बम्प है वो भी काफ़ी छोटा है। तो अगर मतलब तीन लोगों को यहाँ पे बड़े एडल्ट को यहाँ पे जो बैठना है तो वो भी यहाँ पे जो है बैठ सकते हैं। बाकी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा बम्प आया है ऊपर के साइड में सीट्स के अंदर, तो यहाँ पे ये जो पैसेंजर बैठेगा उसको थोड़ी सी जो है दिक्कत हो सकती है, तो वो कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो ये कुछ आपको चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलती है, मैंने आपको छोटे से वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बाकी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें ना, तो अभी तक तो इसकी प्राइस अवेलेबल नहीं है, बट काफ़ी मतलब मुझे भी लगता है कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 11 लाख से तो नीचे ही आएगी। तो अगर 11 लाख की गाड़ी नीचे आती है, 10.5 लाख या 11 लाख की गाड़ी आती है, तो मतलब वैल्यू फॉर मनी आप इसको जो बोल सकते हैं, बिकॉज जो फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं वो काफ़ी हद तक जो है इसके प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। आप सारी चीज़ें जो देख चुके हैं। इसके अगर हम टेल लैम्प की बात करें ना, तो ये मतलब बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ पे आप एक बार टॉप लैम्प वेरिएंट भी देख लीजिए, अलॉयज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस गाड़ी के ड्यूअल टोन में आपको अलॉयज मिलता है, और यहाँ पे डोर के अंदर भी आपको जो थोड़े बहुत जो ये मतलब क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी, और इसकी जो टेल लैम्प्स है ना वो आपको यहाँ पे जो पूरी ही ब्लैक्ड आउट मिलती है। तो ये सबसे मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इसको बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे मतलब आप कम्प्लीटली एक बार जो ये टॉप लैम्प वेरिएंट की जो है लुक्स देख सकते हैं कि ये गाड़ी किस तरह से दिखती है। इसका जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा अलग आता है, तो यहाँ पे आप वो चीज़ देख सकते हैं। थोड़ा आपको जो ये पैनो ब्लैक फिनिश मिलेगा, थोड़ा प्रीमियमनेस आपको ज़्यादा मिलेगा। सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेदर सीट कवर्स इसके अंदर जो है दी गई है। बाकी तो मतलब हाईलाइन वेरिएंट के अंदर और इसके अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, थोड़े बहुत फीचर जो मिस आउट कर दिए हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना था। अगर आपको हाईलाइन वेरिएंट या टॉप लाइन वेरिएंट का अगर आपको वीडियो देखना हो, तो आप मेरे दूसरे वीडियो जो है चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मतलब थोड़े दिन बाद आने भी वाले हैं, और पहले भी हमने कुछ बना के रखे हैं, तो आप वो वाले वीडियो जो है जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना था। अगर आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।